नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। महामारी का जड़ से इलाज एक आदर्श वैक्सीन से ही संभव है, लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह पर महामारी के मरीजों को दवाएं और एंटीबायोटिक्स ना दी जाएं तो आगे चलकर वे पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस फेफड़ों को बड़ी तेजी से डैमेज करता है, जिससे आगे चलकर फाइब्रोसिस का खतरा पैदा हो सकता है। एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को भी पीड़िता के गांव के 40 लोगों से पूछताछ की गई। जिन लोगों से एसआईटी ने सवाल जवाब किए उनमें आरोपियों के घरवाले और पीड़ित परिवार के कुछ पड़ोसी भी शामिल हैं। दरअसल एसआईटी की टीम ये जानना चाहती है कि 14 सितंबर यानी वारदात के दिन क्या हुआ था। वहीं आज फिर से एसआईटी पीड़ित परिवार से पूछताछ कर सकती है और साथ ही क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। कांग्रेस के जिन राज्यों में सरकार है उन राज्यों में साधु संतों और पुजारियों की हत्या के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति करने में हाथरस आ गए थे, लेकिन वे कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में साधु संतों की हत्या पर खामोश क्यों हैं। मोहसिन रजा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के अन्य नेता किसी साधु संत की हत्या और उनके साथ हो रही लगातार क्रूर घटनाओं पर उनके घर नहीं जाते हैं। किसी को क्रोध भी आ जाए और पता चल जाए कि वह अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है तो पूरी कांग्रेस पार्टी ही उसके घर पहुंच जाती है। राजस्थान के करौली में जलाकर मार दिए गए पुजारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। पुजारी बाबूलाल के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने करौली में पुजारी की हत्या मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से बात की है। राज्यपाल ने इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई है। राज्यपाल सचिवालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया है कि मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय हो गई है। इस बीच बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल हिस्सा लेंगे। वह 22 अक्टूबर को बंगाल के मेगा उत्सव के दूसरे दिन षष्ठी को एक मेगा वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। प्रांत प्रचारकों की बैठक के लिए विजयवाड़ा पहुंचे मोहन भागवत ने शनिवार की सुबह इंद्र किलादी पहुंचकर प्राचीन कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। आरएसएस प्रमुख के मंदिर पहुंचने पर पुजारी और मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों ने भव्य स्वागत किया। मोहन भागवत प्रारंभिक प्रधान में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक गुंटूर जिले के मंगलगिरी मंडल के निटंकी के एक स्कूल में होगी। इस बैठक की शुरुआत शनिवार को होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके हाउस स्टाफ से लेकर हर एक दोस्त का नाम सामने आया था। इन्हीं में एक नाम सैमुअल हॉकिप का भी है और अब एक बार फिर सैमुअल सुशांत के फैन द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने धमकी देने वाले के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज की है। लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम के मामले में अब सरकार और ज्यादा राहत देने के मूड में नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न सेक्टर को प्राप्त राहत पैकेज दिया है। मौजूदा महामारी के बीच अब यह संभव नहीं है कि इन सेक्टर्स को और ज्यादा राहत दी जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने 60,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। पोम्पियो ने बीजिंग द्वारा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड पर निशाना साधने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों के खिलाफ बीजिंग का गंदा व्यवहार खतरा है। बिहार में विधानसभा की कुल 40 सीटें एससी और एसटी के सुरक्षित हैं। इन पर कभी लोजपा का दबदबा नहीं रहा, पर इस बार बिहार के सबसे बड़े दलित नेता राम विलास पासवान के निधन के बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को दलितों के साथ ही अन्य मतदाताओं के सहानुभूति वोट मिलेंगे। बिहार के 38 में से 5 ऐसे जिले हैं जहां चिराग को अधिक लाभ मिल सकता है। चिराग की पार्टी लोजपा ने जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसलिए इसका नुकसान भी जदयू को ही होगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।